हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखर लेक्चरर मैथ। हम आज क्लास टेंथ का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसे हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने 4 क्वेश्चन किए थे 7.1 के, उसी के अंदर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस टाइप के अंदर उन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कहना, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी और सी डी पर बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाए गए हैं, ये ए बी सी डी की पोजीशन दिखाई गई है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर, मतलब दो बच्चे बाहर से क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद वो उनको आपस में देखते हैं कि किस प्रकार की पोजिशन के अंदर ये बैठे हैं। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग के रूप में है? चमेली इस बात से सहमत नहीं है। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके अंदर बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले उनकी पोजीशन के मुताबिक उनके निर्देशांकों को ज्ञात करना होगा कि उनके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे ए देखें, ये हमारे पास क्षैतिज रेखा होगी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। क्षैतिज रेखा आपके एक्स अक्ष को दिखाती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आपके वाई अक्ष को। तो ए देखें आपकी तीसरी लाइन पर था और यहाँ से ये चौथी लाइन में, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3-4। ऐसे ही हम बी बिंदु को देखते हैं, ये x से 6 और y से 7, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6-7। ऐसे ही हम बिंदु C देखें, इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 9-4। और इसी प्रकार से बिंदु D 6 के ऊपर है और 1 के सामने, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6-1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास चारों ही बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा उनके निर्देशांकों के बारे में लिखते हैं, ठीक है, हम उनके निर्देशांकों के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कि क्या दिया गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए कितने हैं, 3-4, और बी कितने हैं हमारे पास, 6-7, और सी कितने हैं हमारे पास, 9-4, और डी कितने हैं हमारे पास, 6-1, ठीक है। यदि हम इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप इन बिंदुओं को मिला दें, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास एक समचतुर्भुज तो कम से कम दिखाई दे लग रही है कि होगी होगी, क्योंकि देखने में ही आपको चारों भुजाएँ बराबर लग रही हैं। मेन रोला यहाँ पर कोणों का पड़ जाता है, लेकिन हमें कोण का तो कोई फार्मूला यूज़ करना नहीं, हमें यहाँ पर हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब दूरी सूत्र के मुताबिक क्या होता है, पहला नंबर तो चारों की चारों जो भुजाएं हैं इसके अंदर बराबर होती हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर जो ये विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चतुर्भुजों के कुछ नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे आप ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपनी पिछली कक्षाओं में भी, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास में आपने थोड़ा सा इसके बारे में, जब चतुर्भुज ये हमारा जो 6th चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन 9th क्लास में इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इनके नियमों के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चंस को हम लेकर चलेंगे। इनमें क्या करना है, सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको, आप सबसे पहले चारों ही भुजाएँ ज्ञात करेंगे, ठीक है, ए बी, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट के तौर पर सोच के चलें, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, या तो आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, ये दो तरह की चीज़ें होंगी आपके पास, ठीक है, या आपके पास चारों की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये तो भुजाओं के ऊपर बात होगी, ऐसे ही विकर्णों के ऊपर बात होगी। विकर्णों में क्या होगा, या तो जो दोनों विकर्ण हैं वो आपके बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। तो इस चीज़ के कारण यहाँ से अब कि क्या हुआ, इनकी दो कंडीशंस बन गई और आपके पास चारों भुजाओं पर भी दो कंडीशन बन जाएंगी आपकी, ठीक है, या तो विकर्ण साथ में बराबर होंगे या विकर्ण साथ में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो वो आयत होती है, और अगर विकर्ण बराबर ना हो तो वो आपकी समानांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। और अगर चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो ये एक वर्ग है, और अगर चारों भुजाएं बराबर हों विकर्ण बराबर ना हो तो
तो ये एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सम चतुर्भुज है हमारी, क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, ये नियमों के आधार पर ही हमें इनके बारे में पता करना है। अगर इनमें से कोई नहीं बन रही बात, तो मतलब वो आपके पास एक साधारण सम चतुर्भुज है हमारे पास, क्योंकि हम सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समानांतर से वो दो तरह की चतुर्भुजों में बनती है, एक सम और एक आयत, और फिर सम और आयत दोनों के गुण जिसके अंदर हो वो हमारे पास वर्ग हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास चार ही मेन चलती हैं, बाकी हमारी सब समलंब जितनी भी प्रकार की समलंब या पतंग चतुर्भुज हो वो सभी को हम सामान्य चतुर्भुज के अंदर मानकर चलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब उसी नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन चारों भुजाओं जो चार बिंदु दिए गए हैं इनके अनुसार हम चारों भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। चारों भुजाओं में ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी दूरी हमारे पास 6-3 का वर्ग प्लस 7-4 का वर्ग, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, 6-3 3 का वर्ग, 7-4 3 का वर्ग, ठीक है। ये आपको बताया भी हुआ है, इसको आप डायरेक्ट इनके मान निकालने के लिखने की जरूरत नहीं होती। किसी भी जगह पर जब आपके पास ये चीज़ बन जाती है ना, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बिना किसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ए आपके पास वो बाहर आ जाएगा, ए अंडरूट 2 के बराबर होता है। तो यहाँ 3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर हो गया, तो ये क्या हो गया, 3√2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसे वैल्यू को ये हमारे पास एक फॉर्मूले के तौर पर मान के चले, कैलकुलेशन के तौर पर मान के चले। ऐसा क्यों होता है ये, क्योंकि आप इनको जोड़ें तो 2a² बनेगा, आपका 2 तो अंडर रूट के अंदर आ गया, ए स्क्वेयर का आपके पास a बाहर आ गया। जैसे आप इसको भी देखें, √3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 √18 हो गया। 18 आपके पास क्या है, 3 * 3 = 9, 9 * 2 = 18, 2 * 3 = 1, 3 बाहर आ जाएगा आपके पास, तो 3√2। आप चाहे सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, चाहे ये कैलकुलेशन यूज़ करना चाहे तो ये कैलकुलेशन यूज़ कर लें, जैसा भी जो आप इजी लगे उस ढंग से आप लिख सकते हैं इसको बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरी दूरी ज्ञात करते हैं, बी सी। बी सी 9 - 6 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग, सॉरी 4 - 7 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। माइनस के कारण, क्योंकि वर्ग है प्लस सी हो जाता है, इसलिए आपका फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या रहेगा आपका, 3√2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे हम तीसरी दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें आप अगर सिंपल से थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मान लीजिए एक चतुर्भुज रफली सी बना के बना लें, आपको क्लियर होता चलाते हैं। आपने ए बी पता कर लिया, बी सी पता कर लिया, अब हम सी डी पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा कंसेप्ट के अंदर कभी दिक्कत नहीं रहती, पता चलता रहता है कि हम कोई भुजा भूल ना जाएं। 6 - 9 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग, 6 - 9 - 3 का वर्ग प्लस -1 - 4 - 3 का वर्ग। माइनस माइनस मैंने जैसे आपको पहले ही क्लियर किया है, इससे हमारे पास क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका ये क्या होगा, 3√2 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास सी डी निकाली, अब हमने डी ए भुजा ज्ञात करनी है, डी ए ज्ञात करेंगे। तो 3 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग, ठीक है। देखिए 3 - 6 क्या हो गया, -3 का वर्ग प्लस 4 - 1 3 का वर्ग। तो 3 का माइनस के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमने चारों की चारों भुजाएं निकाल रही। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब एक कंसेप्ट अब यहाँ पर आप मेंशन कर दें। सबसे पहले जब चारों भुजाएं निकाल लें तो उनके अंदर जरूर मेंशन कर दें कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं या सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी ए, आपने चारों भुजाएं निकाल दी, ठीक है, चारों भुजाएं होगी आपकी। अब आप विकर्ण ज्ञात करेंगे, ए सी और बी डी। ए सी हमारे पास हम जानते ही हैं, ए सी का वर्ग करेंगे हम, 9 - 3 का वर्ग प्लस 4 - 4 का वर्ग, ठीक है। भुज में से भुज घटाया, कोटि में से कोटि, 9 - 3 6 का वर्ग हो गया और 4 - 4 0 का वर्ग हो गया। 0 का वर्ग तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 6 के वर्ग
छः का वर्ग हुआ हमारे पास वर्गमूल के अंदर, तो छः के वर्गमूल का जब हम करेंगे, आप लिखना भी चाहे तो लिख भी लें, 36, 36 का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास हम वी डी ज्ञात करेंगे कि वी डी को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें बी डी देखना है, वी डी के लिए देखिए बी बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास 6, 7, और डी बिंदु के निर्देशांक क्या है 6, 1 हमारे पास, ठीक है। अब उनके निर्देशांकों को हमें करना होगा, 6 माइनस 6 का वर्ग, क्योंकि भुज में से भुज घटाएंगे, कोटि में से कोटि, 7 माइनस 1 का वर्ग हमारे पास, 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 का वर्ग लिखना, लिखो नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आप चाहे सिंपल 0 भी लिख सकते हैं। 7 माइनस 1 हमारे पास क्या हुआ 6 का वर्ग हुआ, ठीक है। 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, 6 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया, और अब बराबर में क्या आ गया 36 का वर्गमूल 6। अब आप देखें चारों भुजाएं आपकी बराबर थी, आपने वो मेंशन कर दी, दोनों वर्गमूल बराबर आ गए आपके, ठीक है। ये मैं सर्कल सिर्फ समझाने के लिए, आपको हाईलाइट करने के लिए कर रहा हूँ, कॉपी पर हमें करने नहीं होते इनको, ठीक है। जब हम फिर कॉपी पर नोट करते हैं इनको, करने खुद करके देखते हैं, ये एग्ज़ाम में करते हैं। अब हमारे पास विकर्ण भी क्या है, दोनों बराबर हैं आपस में, आप विकर्ण के बारे में लिखेंगे आगे, ठीक है। अब हमें विकर्णों के बारे में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड में जगह ख़त्म हो चुकी है, हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, हमारे पास अब देखिए, क्योंकि ए सी बराबर बी डी, ठीक है, दोनों विकर्ण आपके बराबर हो गए, दोनों चारों भुजाएं बराबर हैं आपकी और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है आपके पास, ठीक है। वर्ग है तो क्यों, किसने कहा था कि वर्ग है, चंपा और चमेली में से आप पढ़ेंगे तो चंपा ने कहा था कि जब कमरे में दोनों आई कि यह मुझे देखने में वर्ग लग रहा है, लेकिन चमेली कहती है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा, मतलब उसने सहमत नहीं थी उससे बात से कि उसे वर्ग नहीं लगा वो, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सही हो गया, अब चंपा, ठीक है, कौन सही है, चंपा सही है, ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या चीज़ है, आपको इसी तरीके से 3 भाग दिए गए हैं, ठीक है, हमें उन भागों को करना है, उसको करते हैं, उसके एक एक भाग को करते हैं, एक दो भाग मैं करवाऊंगा, एक दो भाग आपके करने के लिए छोड़ेंगे हम, ठीक है। जैसे छठे का पहला भाग है, आपने माना ए हमारे पास क्या दिया गया है -1 -2, बी क्या दिया गया है 1 0, और सी क्या दिया गया हमें निर्देशांक -1 2, और डी क्या दिया गया हमें निर्देशांक -3 0। ये हमें 4 बिंदु के दिए गए थे, उन चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरियां ज्ञात करेंगे इनके अंदर, हम ए बी दूरी ज्ञात करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि छठे क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मीन्स आपको इन बिंदुओं के अंदर, ठीक है, चारों बिंदुओं के अंदर संबंध देखने की किस प्रकार के बनेंगे, तो हमें अपने पहले दूरियां निकालेंगे, उनके अकॉर्डिंग संबंध किस प्रकार से बनता है, फिर हम निर्धारित करेंगे इन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बन रही है वो किस प्रकार की चतुर्भुज बन रही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जैसे ए बी ज्ञात कर रहे हैं, तो आप एक माइनस, ये माइनस क्या, तो मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, जिस रकम संख्या को आप अंक को पीछे लिख रहे हैं, ठीक है, उस अंक के लिए वो क्या बन जाता है हमारे पास, प्लस का बन जाएगा हमारा, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, वो 1 + 1 का वर्ग प्लस 0, ये माइनस क्या, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, मीन्स प्लस का वर्ग वर्ग बन जाएगा। तो आप इनको आगे करते हैं, हमारे पास क्या रहेगा, 1 + 1 2 आ गया, 2 का वर्ग, 0 + 2 2 का वर्ग, आपको अभी फार्मूला हम करके दें, ये क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बी सी भुजा ज्ञात करेंगे, बी सी दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी दूरी सूत्र से हमारे पास बी और सी बिंदुओं के ऊपर, हम देखें थोड़ा सा फोकस करके, अब इनको करें -1 - फार्मूले के अकॉर्डिंग 1, ठीक है, आप फार्मूला याद रखेंगे हमेशा, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, मीन्स भुज में से भुज और कोटि में से कोटि घटा देंगे, ठीक है।
अब जब हम दो बिंदु लिखते हैं जनरल, आप क्योंकि नाम यहाँ पर किसी को फाइनल नहीं होता, आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी मानकर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। डैट मीन्स 2 - 0 का वर्ग, ये -1 - 1 क्या हो गया, -2 का वर्ग हो गया, और 2 - 0 क्या हो गया, 2 का वर्ग हो गया। तो सेम हमारे पास अक्षर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा, दूरी पता करेंगे। हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा क्लियर होता चला जाता आपको। आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम बात करते हैं सी डी पर, ठीक है, मतलब हम सी डी ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सी डी -3 आपके पास माइनस, ये माइनस क्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का वर्ग, प्लस 0 - 2 का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनमें देखें, ये माइनस का 3 है और एक प्लस का है, जब एक घटा माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, मीन्स एक घटा का एक जोड़ का, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में घटा देंगे, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, बड़ी रकम जो संख्या है वो माइनस की है, तो -2 का वर्ग प्लस 0 - 2 -2 का वर्ग हमारे पास, ठीक है। -2 + -2 फिर वही सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2 आ गया। सी डी निकाल लिया। अब डी ए पर बात करेंगे हम, डी ए देखते हैं, डी ए पर बात करेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को देखना हमें, ठीक है, -3 - 1 - 1 - ये माइनस क्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का वर्ग, -2 - 0 का वर्ग, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर आप देखें, -1 + 3, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटा हो जाएगी, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और -2 में से 0 घटाएंगे तो वो -2 ही रहेगा हमारे पास, -2 का वर्ग, वही दोनों सेम, ठीक है। a² + a² मीन्स आप इसमें हमेशा ख्याल रखेंगे ये फॉर्मूले का, -a² प्लस माइनस जैसा मर्जी हो, प्लस माइनस जैसे मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आपके पास हमेशा a² - 2 के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम कंसेप्ट को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कि अगला क्या बनेगा। चारों दूरियां देख रहे हैं आप बराबर हैं, अब क्योंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, जब चारों दूरियां बराबर हों तो वो क्या बनेगा, या तो वर्ग बनेगा या एक समचतुर्भुज बनेगी। वर्ग कैसे हो जाएगा आपके पास, वो अगर आपकी इसके साथ चारों भुजाओं के साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो वर्ग, बराबर नहीं हुए तो वो एक समचतुर्भुज होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम विकर्ण निकालेंगे, मीन्स ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी ज्ञात करने के लिए -1 - ये दूसरा भी माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 - क्योंकि इधर हमारे पास जो ए का निर्देशक है वाई वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, तो 0 का वर्ग प्लस 2 + 2 4 हो गया, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। आप चाहे यहाँ ना भी लिखें, सीधा 0 का वर्ग + 4 का वर्ग बराबर में 4 भी लिख सकते हैं, चाहे ये -4 का वर्ग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप ये कह के चले कि एक 0 का वर्ग दे रखा हो, दूसरा प्लस माइनस जिस मर्जी का वर्ग हो आपके पास, तो उसका जो वर्गमूल रहेगा, आंसर रहेगा, वो हमेशा ए ही रहेगा, ठीक है। आपके पास वो ए चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने ए और सी बिंदु से ए सी विकर्ण आ गया हमारा, ये विकर्ण है हमारे पास, आप इसमें आगे मेंशन करना चाहें तो लिख भी सकते हैं विकर्ण ए सी, और इनके अंदर जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भुजा ए बी, भुजा बी सी, ठीक है, भुजा सी डी और भुजा डी ए। ऐसे ही अब हम विकर्ण, दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण वी डी, ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं हम, विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे। तो वी डी के अकॉर्डिंग 1 - ये माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का वर्ग प्लस 0 - 0 का वर्ग, तो 1 + 3 - 4 हो गया, 4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, ठीक है। आप इसका वर्ग करके जोड़ के फिर लिखें 16 बनने, या सीधा ही लिख दें 4, ठीक है। अब आपके पास वही पिछले क्वेश्चन की तरह चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्ण आपस के बराबर आ गए। जब चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है हमारे पास, इसका मतलब हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है, ए सी बराबर है बी डी के, तो हमारे पास क्या हो गया ये, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, जैसा हमने 5वें क्वेश्चन के अंदर किया था।
आगे देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन का, हम एक भाग और देखते हैं कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक भाग हम और करेंगे और एक भाग ऐसा ही फिर आपके लिए करने के लिए दूंगा मैं, उसको करेंगे नेक्स्ट भाग को। आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर छठे का दूसरा भाग, तीसरा भाग हम आपने खुद करना है। मैं तीसरा भाग इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उसके अंदर जो ए बी सी डी के चारों मान हैं वो चारों के चारों मान एक्स के भी और वाई के भी धनात्मक है, ठीक है। तो धनात्मक के अंदर तो आपकी जो माइनस की गलती है वो कभी होने के चांसेस ही नहीं रहते, ठीक है। हमारे पास जो माइनस प्लस की या गलती हो सकती है वो जब कोई ऋणात्मक संख्याएँ हों तभी हमारे पास हो सकती हैं। तो हम उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास चार बिंदु हैं, हम सबसे पहले चारों दूरियाँ ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चतुर्भुज की बात की थी कि हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाते हैं, हम सबसे पहले ए बी ज्ञात कर रहे हैं। ए बी ज्ञात कर रहे हैं तो ए बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच में तीन माइनस, ये माइनस क्या है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तीन प्लस तीन का वर्ग, इधर एक माइनस पाँच का वर्ग, ठीक है। तीन प्लस तीन क्या हो गया, छः का वर्ग, प्लस एक माइनस पाँच माइनस चार का वर्ग। आप इनको जोड़ें, छः का वर्ग क्या हो गया छत्तीस, चार का वर्ग क्या हो गया सोलह, दोनों को जोड़ दिया क्या आ गया वर्गमूल बावन, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें भुजाओं के मान तो निकाल के बताने नहीं है, आप चाहें तो इनके गुणनखंड बना सकते हैं, ठीक है। दो वर्गमूल तेरह, दो गुना तेरह बन जाएगा, तो दो वर्गमूल तेरह बन जाएगा। हमें यहाँ मतलब है इनकी जो दूरियाँ वो आपस में बराबर हैं या नहीं, सिर्फ उस चीज़ से। तो आप इसको वर्गमूल के अंदर ही रख लें तो रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, मीन्स हम अपनी एक्स्ट्रा की कैलकुलेशन बचाना चाहें बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें बी सी, उससे क्या रहता है कि कई बार आपके पास गुणनखंड बनते हुए कोई गलती होने के जो चांसेस हैं, कोई गलत हो सकता है, तो वो हो भी गया उसमें तो हमारा गंस क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन जब हमने कुछ के गुणनखंड बनाकर बाहर ही नहीं निकाले तो आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट पर रह जाएगा। आगे देखें जीरो माइनस तीन का वर्ग, बी सी में ज्ञात कर रहे हैं, जीरो माइनस तीन का वर्ग प्लस तीन माइनस एक का वर्ग, एक्स में से एक्स घटाया, वाई में से वाई घटाया हमने। देखिए जीरो माइनस तीन क्या हो गया, माइनस तीन का वर्ग प्लस तीन माइनस एक क्या हुआ, दो का वर्ग। तो आपके पास तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार, तो क्या आ गया वर्गमूल तेरह आ गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पता करते हैं, बी सी हो गया, सी डी ज्ञात करेंगे ऐसे ही। सी डी देखें, माइनस एक माइनस जीरो का वर्ग प्लस माइनस चार, फार्मूले के मुताबिक माइनस तीन का वर्ग, ठीक है। आपके पास क्या आया, माइनस एक माइनस जीरो माइनस एक का वर्ग, माइनस चार माइनस सात, माइनस चार माइनस तीन माइनस सात हो गया, माइनस सात का वर्ग। तो एक का वर्ग एक और सात का वर्ग उनचास, तो किसके बराबर आ गया ये, वर्गमूल पचास के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट डी ए ज्ञात करेंगे, डी ए भुजा हमारे पास। अभी तक हम देख रहे हैं हमने तीन भुजाएं ज्ञात की, तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, मतलब आपके पास ये एक अलग ही तरह की त्रिभुज चतुर्भुज बनती जा रही है हमारे पास, ठीक है। हम डी ए ज्ञात करते हैं, चलो कोई बात नहीं, डी ए ज्ञात करिए, इन दोनों को करेंगे आपस में माइनस तीन माइनस 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 प्लस हो गया एक का वर्ग, प्लस पाँच माइनस माइनस है ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस चार का वर्ग। हमारे पास माइनस तीन एक माइनस दो का वर्ग प्लस पाँच प्लस चार नौ का वर्ग, दो का वर्ग क्या हो गया चार और नौ का वर्ग क्या हो गया इक्यासी, तो क्या आ गया हमारे पास वर्गमूल पचासी, ठीक है। आगे इसके गुणनखंड बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ए बी बराबर नहीं, बी सी बराबर नहीं, सी डी बराबर नहीं, डी ए, ठीक है। आपकी जो चारों की चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास चारों की चारों भुजाएं ही आपस में बराबर नहीं बनती आपकी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अब हमें ध्यान रखना है कि आपके पास हो सकता है कि कई बार ऐसी चतुर्भुज ही ना बनती हो सकता है कि आपके पास ये चतुर्भुज ही ना बनती हो, वो हम किस प्रकार से देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। हम विकर्ण ए सी ज्ञात करते हैं, विकर्ण ए सी ज्ञात करेंगे तो ए और सी में जीरो माइनस, ये माइनस का तीन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तीन का वर्ग, तीन माइनस पाँच का वर्ग, जीरो प्लस तीन क्या हो गया तीन का वर्ग हो गया हमारे पास, और आगे देखिए तीन माइनस पाँच क्या होगा माइनस दो का वर्ग हो गया, तो नौ प्लस चार क्या आ गया वर्गमूल तेरह, ठीक है। ये हमारे पास वर्गमूल तेरह के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचना है हमें,
जैसे मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज अगर हम बनाकर चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम दूसरे विकर्ण, आप दूसरे विकर्ण को भी निकालना चाहें, एक वीडी को निकाल कर आप लिख सकते हैं, वो भी उसका जो भी आंसर बनेगा, ठीक है। जनरली अगर मैं देख रहा हूँ तो -3 -1 -4 का वर्ग 16 और +5 वर्गमूल 41 बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक जनरली अगर हम कंसेप्चुअल सोचते हैं, आपके पास एक मान लीजिए कोई चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है, ये ए है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, ठीक है। आपके पास देखें ए क्या है, वर्गमूल 52, मतलब आप इसके गुणनखंड बनाते हैं तो 2 वर्गमूल 13 आया, ठीक है। तो ये भुजा है हमारे पास 2 वर्गमूल 13, और ये भुजा कितनी है, ये वर्गमूल 13, ये रही हमारे पास। और ए सी विकर्ण क्या है, वर्गमूल 13। अगर आप इन दो भुजाओं को जोड़ते हैं वो इस भुजा के बराबर आ गया। अब इन दो भुजाओं का जोड़ इस भुजा के बराबर आ रहा है, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता त्रिभुज के अंदर, क्योंकि एक त्रिभुज तभी बनती है यदि दो छोटी भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो, ठीक है ना। मान लीजिए दो छोटी भुजाएं हैं और वो तीसरी भुजा से बड़ा हो, जनरल कह देते हैं कि दो भुजाओं का जोड़, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं नहीं कहा जाता हमेशा इसके अंदर। आपका जो एक परफेक्ट नियम के तौर पर हम कहें तो किन्हीं दो छोटी भुजाओं का जोड़, दो छोटी भुजाओं का जोड़, किन्हीं शब्द का प्रयोग भी ना करें, दो छोटी भुजाओं का जोड़ आपके पास तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके पास वो एक त्रिभुज बन सकती है। अब इसमें क्या चीज़ है, इन दो का जोड़ बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक कंसेप्चुअल सोच कर लिख सकते हैं, बी डी भी करना अगर नहीं निकालते, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बी सी प्लस ए सी बराबर है आपके पास ए बी के, ठीक है, इसलिए बिंदु ए बी सी सरेख हो गया आपके। सरेख होने का मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, अगर हम बात करें कि सरेख होने का अर्थ क्या हुआ, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, जो आपके पास बनेगी जो ए बी सी डी है वो एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो दो भुजाओं का जोड़, भुजा और विकर्ण का जोड़ भुजा के बराबर आ रहा है, ऐसा संभव नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसकी चीज़ के कारण ये तीनों बिंदु तो सरेख हो गए। अब जब तीन बिंदु आपके, अगर हम बात करें जनरली सोचे, तीन बिंदु सरेख हैं और एक बिंदु अलग है, तो इनसे तो आपकी त्रिभुज चतुर्भुज बन ही नहीं सकती, इससे तो त्रिभुज बनेगी आपकी, ठीक है, तो इस चीज़ के कारण हमारे पास ये संभव नहीं है। ऐसे ही आप नेक्स्ट करके देखेंगे, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ चारों बिंदु धनात्मक हैं, ठीक है, आप ए बी निकालेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे, ए डी ज्ञात करेंगे, चारों भुजाओं में क्या बन रहा है वो देखेंगे। उसके बाद आप विकर्ण ज्ञात करेंगे ए सी और बी डी, अगर वो बराबर हैं या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, देखा जाएगा। और कई बार क्या होता है उसके अंदर आपके पास अविकर्ण दोनों ज्ञात करेंगे, दोनों बराबर हैं या नहीं, कई बार आप उसको विकर्ण एक के ऊपर एक विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने मेरे पास, क्योंकि इन क्वेश्चनों के सोल्यूशन तो मुझे तो पता है, मैं बिंदुओं को देखकर ही बता सकता हूँ कि क्या आंसर बनेंगे इनके, मैं आपको जनरल लिख रहा हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। छठे क्वेश्चन का तीसरा भाग है आपका जो, ठीक है, ए दिया गया है आपको 4-5 और बी दिया गया है 7-6 और सी दिया गया है 4-3 और डी दिया गया है 1-2। जब आप इस ए बी सी डी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, आप इन दोनों में ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है, वो आएगी वर्गमूल 10, 7-4 हमारे पास मुझे पता चल रहा है यहाँ से। आप इन दोनों के बी सी के बारे में पता करेंगे तो वर्गमूल 18 निकलेगी। ऐसे ही आप सी डी के बारे में पता करेंगे तो कैलकुलेशन करूँ वर्गमूल 10 बनेगी। ऐसे ही आप डी और ए के बारे में करेंगे तो 4-1 5-2 मीन्स वर्गमूल 18 बनेगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर दिए, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं फिर कैसे हम सेकंडों के अंदर दूरियों को ज्ञात करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर हम उस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। वैदिक मेथड है हमारा, वो प्राचीन काल मेथड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये आमने सामने की भुजाएं बराबर आपको क्लियर है, ऐसे ही आप क्या करेंगे विकर्ण ए सी ज्ञात करेंगे। विकर्ण ए सी आप ज्ञात करते हैं तो 4-4 जो -2 वर्गमूल 4 ये आपके पास आएगा, वर्गमूल 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप वी डी विकर्ण के बारे में बात करते तो वो हमारे पास 7-1 6-2, ठीक है, उनके वर्ग करके वर्गमूल 52 आएगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर,
और विकर्ण बराबर नहीं, तो ये क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगी हमारे पास, एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। और एक तरीका और बनता है इनके अंदर, आपके पास जैसे विकर्ण निकाला तो इस वर्ग विकर्ण का वर्ग मीन्स चार हो गया, बराबर में इन दोनों का वर्ग, वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 18 मीन्स पाइथागोरस का यूज़ कर लिया, 28 बराबर नहीं है, क्योंकि आपके पास जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो मैंने दो चीज़ें बताई हैं, या तो वो समानांतर चतुर्भुज होगी या वो आयत होगी। आयत के लिए ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो कर्ण का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए वर्गमूल 10 का वर्ग 10, वर्गमूल 18 का 18, दोनों का जोड़ 28 और ये 4 है, 4 और 28 आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक आयत नहीं है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कई बार हम इस नियम का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन इस नियम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी नियम के ऊपर चलें, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं है, दोनों दूसरा विकर्ण निकाल दें तो जिस चीज़ के कारण क्या हो गया, ये एक समानांतर चतुर्भुज होगी। अगर विकर्ण बराबर हो जाते तो क्या हो जाती है, एक आयत बन जाती है हमारे पास ये, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस तीसरे क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, और अब हम अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इन क्वेश्चनों को करेंगे, और अपना जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके जो भी दोस्त फ्रेंड्स आपके 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इनको शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।